यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सुत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव, 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्धकर्ता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पर्यावरण पद्धति से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद् गुरो रिह पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु और परम श्रेष्ठ गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम, ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आवाहन करें। यथा ओम अमुक नामानम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्टि गुरुम आवाहयामि नमः। इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक, अर्घ्य में रखे हुए जल से पात्य आचमन और अर्घ्य निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदं सकलमाराधनम संपूर्ण मस्तु, की गई ये सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखे। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदा शिवादयो मे प्रीता वरदा भवन्तु, सदा शिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभिष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठे और सर्वत्राकृतमस्तु, ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सद्योजातादि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमनादि जल दे, हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबुल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद ले। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तपश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादयः प्रीता यथा सुखम गच्छतु, सदा शिव आदि संतुष्ट हो, सुखपूर्वक यहाँ से पधारे।
इस प्रकार बीदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए, फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। ये सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर शिवोऽहमास्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिवरूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के मायानाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सूधी भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा, तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो।